सुख पाता। धरती के जन सारे आकाश को देखे और हम प्रभु तेरे विश्वास को देखे, विश्वास को देखे। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तू मेरा ईश्वर है, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत थॉमस भारत के प्रेरित का पर्व मनाती है। आज हम सब भारतीय कैथोलिक विश्वासियों के लिए बड़े ही आनंद का दिन है, क्योंकि जो प्रभु का पैगाम लेकर के हमारे भारत देश में आए, उनका पर्व आज माता कलीसिया मनाती है। संत थॉमस, जो कि प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक थे, गलीली के रहने वाले, और वे एक मछुआरे, सुथार और शिल्पकार थे। साथ ही संत थॉमस के विषय में हम जरूर एक बात जानते हैं कि वे जिज्ञासु थे। जिस तरह से संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 5 में हम पाते हैं कि संत थॉमस प्रभु यीशु से वार्तालाप करते हुए ये कहते हैं, प्रभु, हम तो यह भी नहीं जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। हम वहाँ का मार्ग नहीं जानते हैं, तो हम कैसे वहाँ जाएंगे। तब प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हम देखते हैं पेंतेकोस्त के एक दिन बाद जब प्रभु यीशु शिष्यों को दर्शन देते हैं, उस समय संत थॉमस वहाँ मौजूद नहीं था। और शिष्य संत थॉमस को बताते हैं कि हमने पुनर्जीवित प्रभु यीशु के दर्शन पाए हैं। तब वह कहता है, जब तक मैं उनकी हथेली में कीलों के निशान पर अपनी उंगली ना डालूं, उनके बगल में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं कर सकता। वो इस तरह के भाव प्रकट करते हैं। और हम देखते हैं संत थॉमस जब पुनः प्रभु 8 दिनों के बाद में शिष्यों को दर्शन देते हैं, तब संत थॉमस भी वहाँ पर मौजूद हैं। और उस समय प्रभु कहते हैं, अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। संत थॉमस के हृदय से ये उद्गार निकलते हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। एक संदेही थॉमस यहाँ पर अपने विश्वास को प्रकट करता है। वही संत थॉमस प्रभु के विश्वास को लेकर के जो ये कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। 92 में संत थॉमस दक्षिण भारत के केरल के कडुंगलूर बंदरगाह पर पहुंचते हैं और वे मलाबार के तट पर प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं। और उनके सुसमाचार के प्रचार के बाद हजारों की तादाद में लोग बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। और वहाँ पर वे 7 चर्चेस या 7 कलीसियाओं का निर्माण करते हैं। और वहाँ पर वे 7 पुरोहितों को और 2 धर्माध्यक्षों को नियुक्त करते हैं। और उसके बाद में वे सुसमाचार के प्रचार के लिए आगे बढ़ते हैं। और वे कोरोमंडल, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर जाकर के वे प्रभु का संदेश सुनाते हैं और वहाँ पर उन्हें विरोधियों का सामना करना पड़ता है। कुछ कट्टरपंथी लोग उनका विरोध करते हैं और वे उस विरोध का सामना करते हुए वे पहाड़ी की तरफ भाग जाते हैं और जो एक छोटी पहाड़ी लिटिल माउंटेन करके जाना जाता है वहाँ पर एक गुफा में जा कर के छिप जाते हैं और वहाँ पर रह कर के भी वे प्रभु का प्रचार प्रसार करते हैं। और वहाँ से एक पास में ही चट्टान जिसमें पानी निकलता था, लोग पानी पीने आते थे और प्रभु का संदेश वो लोगों को सुनाते थे। कुछ लोग भाला लेकर के उनको मारने के लिए आए और वे वहाँ से आगे बढ़े और एक गुफा में छिप गए और वहाँ पर लोगों ने आकर के भाला मारकर उनका वध कर दिया गया। उनका शरीर मल्याटूर के संतोम बेसलिका में दफनाया गया। वहाँ पर कई श्रद्धालु उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। प्यारे भाई और बहनों, एक ऐसा संत, ऐसा शिष्य जो प्रभु के साथ रहा, प्रभु में अपना विश्वास प्रकट किया और उसी विश्वास को लेकर के हमारे इस देश में आया। आज हम उस महान संत का पर्व मना रहे हैं। आइए, जब हम संत थॉमस का पर्व मना रहे हैं तो हम इस पवित्र बलि में भाग लेने के पूर्व हमसे हुए सभी गलती गुनाहों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, ताकि योग रीति से हम बेदाग होकर के इस पवित्र बलि को चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने त्रिकुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। शांति हो, भूतल में अति शांति हो। पर गाना गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं, महिमा हम सब गाते हैं। गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। शक्तिमान है ईश पिता, स्वर्ण पाताल जगदीश्वर। गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त महान, ईश पिता के सुत भगवान, मेमना सुत इकलौता, पाप जग के हर रेता। हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुन कर। पिता की दाहिने ओर तू विराजमान, दया कर। हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुन कर। क्योंकि तू पवित्र है, तू प्रभु यीशु ख्रिस्त है। पावन आत्मा संग में, परम पिता के नूर में। आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम धन्य प्रेरित थॉमस का प्रशर्ष मना रहे हैं। इन्होंने हमारे देश में तेरा सुसमाचार सुनाया था। उनकी मध्यस्थता का सहारा लेकर जो लोग सच्चे हृदय से तेरी खोज में लगे रहते हैं, वे यीशु ख्रीस्त की शरण आए और उन्हें अपना प्रभु तथा ईश्वर स्वीकार करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और जीवा पर हो, जिससे योग्य रीति से आप पवित्र वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का 14वां इतवार, पहला पाठ, नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 66, पद संख्याएँ 10 से 14 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं यरूशलेम को आनंद का संदेश देता हूँ। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते हो, उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम में दिलासा मिल जाएगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियाँ हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेंगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। साथ ना छोड़ूंगा। जीवन मैंने तुम्हारे खातिर कर दिया कुर्बान। जीवन तुम्हारा, प्रेम है मेरा, क्रूस पे बलिदान। मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया, मैं हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दूसरा पाठ। हमारे चारों ओर कितनी ही अशांति क्यों न हो, हम अपने में शांति का अनुभव कर सकते हैं। हम अपने को मसीह को अर्पित करें, तब हम पूर्ण रूप से एक नई सृष्टि बन जाएंगे और हमें आंतरिक शांति प्राप्त होगी। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 14 से 18 तक। यीशु मसीह के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित हैं। मैं केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर गौरव करता हूँ। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में। किसी का खतना हुआ हो अथवा नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से एक नई सृष्टि बन जाएं। इस सिद्धांत के अनुसार चलने वालों को और ईश्वर के इज़राइल को शांति और दया मिली। अब से कोई भी मुझे तंग न करे। यीशु के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित हैं। भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप लोगों के साथ हो। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। प्रभु ने अन्य 72 शिष्यों को नियुक्त किया और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली ना झोली ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वहां वे तुम्हारा स्वागत करे, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहाँ के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे कह देता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। 72 शिष्य से आनंद लौटे और बोले, हे प्रभु, आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बेरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित न हो कि अबदूत तुम्हारे अधीन हैं, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम में से कई लोग आत्मदर्शन के द्वारा संचालित इन आध्यात्मिक, जो हमारी उन्नति के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें मदद करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनको हम देखते हैं, भाग लेते हैं। विगत 2 दिन से यहाँ प्रेरणा सदन में जब मैं आया, और जो आत्मदर्शन के द्वारा जो संचालित कार्यक्रम है, मैं उनको देख रहा था कि हर व्यक्ति, यहाँ के जो निर्देशक हैं, जो साथ में कार्य करने वाले स्टाफ हैं, हर कोई यहाँ पर पूर्ण रूप से समर्पण के साथ में इन कार्यक्रम को चलाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही सिस्टमेटिक, या फिर कहे योजनाबद्ध तरीके से ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। मैं देख रहा था कि जो निर्देशक हैं वो समय समय पर निर्देश देते हैं, और अवश्य ही इन लोगों ने योजना बनाई होगी, और उस योजना के मुताबिक एक समय सारणी और निर्देश हर एक व्यक्ति जो इन कार्यक्रमों में सम्मिलित है, सहभागिता निभाता है, उनको इस समय सारणी निर्देशों का पालन करने के साथ ही इस कार्यक्रम को सफलता तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और कोई भी कार्य हम ले लें तो सफल तभी हो सकता है जब उसकी योजना, उसके लिए सही निर्देश और समय अवधि दी जाती है। और कुछ ऐसा ही हम आज के सुसमाचार में पाते हैं। प्रभु यीशु भी एक अपना मिशन लेकर के आए थे, और इस धरती पर, इस दुनिया में आने का उनका उद्देश्य था ईश्वर का राज्य का फैलाव, ईश्वर का राज्य इस धरती पर लाना, वो उनका मकसद था। और उस मकसद के मुताबिक वे शिष्यों को प्रशिक्षित करते हैं। और आज के सुसमाचार में हमने सुना, उस मिशन कार्य को पूरा करने के लिए, जिस मकसद के लिए वो आए थे, उस मकसद को पूरा करने के लिए वे 72 शिष्यों को नियुक्त करते हैं। तो सबसे पहले वो नियुक्त करते हैं, और 72 शिष्यों को नियुक्त करने के बाद में वे उन्हें 2-2 करके भेजते हैं। यानी कि वो किसी व्यक्ति विशेष का, अकेले का कार्य नहीं, लेकिन हम एक साथ में मिल करके एक सामुदायिक रूप से जो मिशन कार्य दिया गया है उसको करने के लिए प्रभु उन्हें 2-2 करके भेजते हैं। और तीसरी बात हम इस आज के सुसमाचार में देखते हैं, प्रभु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, उसको सफलता तक पहुँचने के लिए वो कहते हैं, जब तुम जाओ ना थैली, ना झोली, ना जूते ले जाओ। यानी कि पूर्ण ईश्वर पर आश्रित होकर के, ईश्वर पर निर्भर रह करके उस कार्य को करने के लिए तुम जाओ। प्रभु शिष्यों को कहते हैं कि तुम, जिस तरह से हम सुसमाचारों में देखते हैं, जब लोग आकर के पूछते हैं, प्रभु मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आपका अनुसरण करना चाहता हूँ, तो प्रभु उनसे यही आह्वान करते हैं, आत्मत्याग करो और मेरे पीछे हो लो, या अपना दैनिक जीवन का क्रूस उठा लो। तो ये आह्वान आज भी प्रभु यही कहते हैं उनको कि ईश्वर पर भरोसा रख करके आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। और हम अगले बिंदु में देखते हैं कि उनको प्रभु निर्देश देते हैं, और वो निर्देश स्पष्ट हैं। वो कहते हैं कि भेड़ों की तरह वो भेजते हैं, कोई भेड़ियों के बीच में भेड़ों की तरह, यानी कि कोई आक्रामक रूप में नहीं, लेकिन विनम्र एक शांत स्वभाव से जाने के लिए प्रभु उनको निर्देश देते हैं और उन निर्देशनों का पालन करते हुए शिष्य आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह से सुसमाचार में हम पाते हैं कि वो सफल होते हैं और आने के बाद में वे लौटकर सानंद लौट करके प्रभु के समक्ष अपने कार्यों की सफलता के बारे में बताते हैं। तब प्रभु फिर से दो तीन बातें उन्हें याद दिलाते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैंने शैतान को स्वर्ग से बिजली की तरह गिरते हुए देखा है। और प्रभु उन्हें बताते हैं कि तुमको अधिकार दिया गया है सांपों, बिच्छुओं, और प्रभु उनको याद दिलाते हैं शिष्यों को कि तुम जो कार्य करके आए थे, तुम्हें जो जिम्मेदारी, जो मिशन दिया था, वो करके आए हैं। तो प्रभु उनको कहते हैं कि तुमको अधिकार दिया गया है सांपों, बिच्छुओं और बेरियों को कुचलने का। यानी कि प्रभु वो सामर्थ्य उन्हें प्रदान करते हैं जो उनके नाम पर जाते हैं, जो उन पर आश्रित रहते हैं, जो उनका पैगाम सुनाने के लिए निकल पड़ते हैं। पूर्ण भरोसा रख करके प्रभु उन्हें वो सामर्थ्य प्रदान करते हैं। और हम आगे देखते हैं सुसमाचार के अंत में प्रभु कहते हैं कि तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा, ये आश्वासन देते हैं। जो प्रभु के मिशन को लेकर के आगे बढ़ता है, प्रभु के संदेश को लेकर के, प्रभु के राज्य के लिए अपना जीवन देता है, प्रभु उसके जीवन सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। आज जब हम संत थॉमस का पर्व मनाते हैं, ये सुसमाचार पूर्ण रूप से संत थॉमस के जीवन में सटीक बैठता है। क्योंकि वे एक अजनबी, अपरिचित जगह पर प्रभु का संदेश लेकर के, प्रभु पर आश्रित होकर के यह हमारे भारत देश में आए और उन्होंने वही प्रभु के मिशन कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस देश में प्रभु का पैगाम सुनाया। और आज हम काफ़ी तादाद में हमारे विश्वासियों को देखते हैं। आइए हम भी प्रभु जिस तरह से 72 शिष्यों एवं जब संत थॉमस का पर्व मनाते हैं, जो भी प्रभु के संदेश को लेकर के अभी भी कार्यरत हैं, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि दुख संकटों, अत्याचारों में वे लोग मजबूत एवं दृढ़ बने रहें और प्रभु उनके साथ रहे और इस तरह से प्रभु का संदेश जन जन तक फैला सके। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुआरी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर अब भी हमसे और दुनिया से अपने शब्द बोलता है। ख्रीस्त के अनुयायी के रूप में हमें दूसरों को सुसमाचार सुनाने और इस दुखपूर्ण संसार में शांति का दूत बनने की चुनौती दी जाती है। हम अपनी ख्रीस्तीय प्रतिबद्धता में बने रहने के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, अन्य धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संघी ईमानदारी एवं उत्साही ढंग से अपने मिशन कार्यों को पूरा करते हुए लोगों को प्रेरित करें और उनसे लोगों को प्रोत्साहन मिलता रहे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो मिशनरी अपने मिशन कार्य क्षेत्र में अधिक कष्ट और कम खुशी का अनुभव कर रहे हैं, उन्हें ईश्वर दिलासा प्रदान करे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। युवक युवतियाँ पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन द्वारा सांसारिक प्रलोभनों से अपने को दूर रखें और उससे प्रेरणा पाकर यीशु के मिशन कार्य को स्वीकार कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने मिशन द्वारा हमेशा ऊंचे लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से कार्य करें और छोटी छोटी उपलब्धियों से अपने को संतुष्ट न करें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयामय ईश्वर, हम तेरे असंख्य वरदानों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम कायरता और अभिमान से बचे रहे, जो कि सच्चाई और ज्ञान के मार्ग पर बाधक है। अपनी ज्योति द्वारा तू लोगों के अंधकारमय जीवन को दूर कर, हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा यह बलिदान स्वीकार करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, प्रेरित संत थॉमस की शहादत के आदर में हम तेरी समुचित सेवा करते और स्तुति की भेंट अर्पित करते हैं। हमारी दीन प्रार्थना सुन ले और अपने वरदानों को हम में सुरक्षित रख, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र प्रभु ख्रीस के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे शाश्वत गडेरिये, तूने अपने प्रेरित संत थॉमस को हमारे देश में भेजा कि वे यीशु ख्रीस्त के सुसमाचार का प्रचार करें। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें ऐसी कृपा दे कि शरीर की आँखों से तुझे देखे बिना भी हम सारे हृदय से तुझ में विश्वास करें और धन्य हो जाए। इसलिए अब और अनंत काल तक सभी स्वर्गदूतों के साथ भक्ति भावना से पूर्ण होकर हम तेरा यशोगान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूख्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, प्रेरित संत थॉमस और सभी संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को, वे जहां कहीं भी हो, अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ट संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। अपनी अंगुली यहाँ रखो और कीलों की जगह पर परखो। अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम इस संस्कार में तेरे इकलौते पुत्र का शरीर वास्तव में ग्रहण करते हैं। प्रेरित थॉमस के साथ हम भी ख्रीस्त को अपना प्रभु और ईश्वर मानते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम यह विश्वास अपने कर्मों तथा जीवन में प्रकट करें, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आशीर्वाद के लिए सिर झुकाएं। पिता ईश्वर ने प्रेरितों की नींव पर आपके धार्मिक जीवन का निर्माण किया है। वही ईश्वर प्रेरित संत थॉमस के पुण्य फलों द्वारा आप लोगों पर आशीष बरसाए। आमीन। ईश्वर का पुत्र जिसने आप लोगों को एक महान संरक्षक दिया है, आप लोगों का मन आलोकित करे और दृढ़ता प्रदान करे, ताकि एक दिन आप लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पा सकें। आमीन। पवित्र आत्मा सब मनुष्य को पूर्ण सत्य की ओर अग्रसर करता है। वह सब लोगों को प्रभु यीशु के पास लाए, क्योंकि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, ख्रीस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। करूँ